ये देखिए कौन सा बर्ड है भाई। वाह, इतने बड़े बड़े बर्ड। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज तो मेरे सत सियापा ही हो गया है। मुझे निकलना था एक्चुअली साइकिल राइड पे, और जब मैं निकला तो देखा मेरा फ्रंट वाला जो टायर है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो गाइस, साइकिल राइड तो होगा नहीं आज, लेकिन सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ करना होता है, तो मैं निकल रहा हूँ एक शॉर्ट राइड पे। मिलते आपको राइड पे, और बाकी की कहानी राइड पे सुनाते हैं। तो गाइस, मुझे निकलना था साइकिल राइड के लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह निकला तो मैंने देखा कि मेरा सामने वाला टायर जो है वो पंचर्ड है। तो अभी पंचर वाला भी मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा राइड कर लिया जाए, तो इसलिए बाइक राइड के लिए निकल गया। तो मैं जा रहा हूँ अभी असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लास्ट टाइम मैं साइकिल से आया था तो तब कह रहे थे कि जनवरी को खुलेगा ये, तो अभी जाके देखते हैं आज खुलता है कि नहीं, अंदर जाने देते हैं कि नहीं। अगर अंदर जाने देते हैं तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा, नहीं जाने देंगे या बंद रहेगा तो वापस आ जाऊंगा। ठंडा बहुत है और काफी चिलिंग है। बीच में ठीक हो गया था, बारिश हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन दो दिन से फिर चिल्ड हो गया है। राइट साइड को आप एक मंदिर देख सकते हैं, काफी बड़ा मंदिर है ये फरीदाबाद का। मैं ये गाइस शूटिंग रेंज के रास्ते में हूँ, आगे से जाके शूटिंग रेंज मिलेगा मुझे, और इसी रास्ते से असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा। आप राइट को देखिए, आपको एक मंदिर दिखेगा, बहुत बड़ा मंदिर है ये, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और यहाँ से बहुत सारे बंदर। ओहो, तो यहाँ से मैं पहले अक्सर आया करता था जब मैं जॉब करता था, तब ये सिंगल रोड था, अभी ये दोनों तरफ रास्ता बन गया, पहले ऐसा रास्ता नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रास्ता। अभी मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगेंगे असोला पहुंचने में, 10-12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। राइट साइड को एक स्कूल है, आरावली इंटरनेशनल स्कूल, ये भी फरीदाबाद का काफी फेमस स्कूल है। और यहाँ से दो रास्ता मिल जाएंगे, आप देखिए आगे, एक लेफ्ट की तरफ और एक दिल्ली की तरफ। लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है ये जा रहा है गुड़गांव, और यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हमें जाना है, हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि असोला जो है वो दिल्ली वाले रास्ते में पड़ता है। तो ये दिल्ली वाला रास्ता है, यहाँ से आगे जाके आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें दिल्ली नहीं जाना है, हमें तो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ही जाना है, वहां से वापस आ जाएंगे। लेफ्ट को आप देखिए जन्नत वैली है, ये देखिए यहाँ से जन्नत वैली, वाह बहुत ही बढ़िया। और राइट साइड को आप देख सकते हैं ये मानव रचना स्कूल भी है, कॉलेज भी है, ये देखिए मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत फेमस है फरीदाबाद का। तो बहुत ही शानदार वेदर, मजा आ रहा है, चलिए आप और हम घूमते हैं और चलते हैं असोला। ये सामने एक बहुत ही बड़ा सोसाइटी है, ये है ओमेक्स सोसाइटी, अभी तो ये फुल्ली ऑक्युपाइड होगा, और ये बहुत ही ओमेक्स का जो है अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए काफी साल हो गया, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया होगा इसको पोजीशन दिए हुए, अभी भी बहुत ही अच्छा है, कहीं पे भी आपको सीपेज नहीं दिखेगा। सामने वाला जो टावर दिख रहा है ये बहुत ही प्रीमियम एक्सक्लूसिव टावर है, बहुत ही एक्सपेंसिव था उसी जमाने में, अब तो ये बहुत महंगा होगा, उस जमाने में 1.5 करोड़ के आसपास था, अब ये तकरीबन मुझे लगता है 2.5-3 करोड़ होगा, और ये लग्जरियस फ्लैट है। गाइस, लेफ्ट को भी एक रास्ता दिखा रहा है, ये डेथ वैली को जाता है, यहाँ से भी असोला बता रहा है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा, क्योंकि मुझे लगता है सीधा ही सही पड़ेगा, सीधा ही उसका मेन गेट है। भाई गूगल मैप तो कुछ और ही बता रहा है, ये देखो ये बार बार यू टर्न बता रहा है, लेकिन मेरे को वो रास्ता मालूम नहीं है, गूगल कई बार फंसा देता है शॉर्टकट के चक्कर में, तो मैं नहीं जाऊंगा इस बार मुझे मालूम है कि गूगल फंसा सकता है मुझे। मैं निकलूंगा सीधा जाऊंगा, कहीं नहीं मुड़ना, इसी रास्ते में है आगे जाके। ये गूगल तो अभी भी यू टर्न ही बता रहा है, ये सीधा रास्ता इसको क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, कई बार आपको अगर रास्ता मालूम ना हो, गूगल शॉर्टकट ले जाता है और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं फंसा देता है, तो कभी कभी अपना दिमाग भी लगा देना चाहिए, हमेशा गूगल पे मत भरोसा करिए। मैं एक बार फंस गया था गाइस गूगल के चक्कर में, आगरा के गलियों में घूमता रहा, वो कहाँ कहाँ घुमा रहा था, मेरे को बाहर निकलना था हाईवे के लिए, निकाल ही नहीं पा रहा था, बार बार इधर से उधर, इतना बुरा फंसा, तकरीबन मेरा आधा घंटा निकल गया था वहां से। तो कई बार गूगल से अच्छा आप आदमी से पूछ लो, वो ज्यादा अच्छा बता देगा
क्योंकि गूगल हमेशा अपडेटेड नहीं रहता है, अपडेटेड नहीं रहेगा तो आपको फंसा देगा कहीं ना कहीं। अब मौसम थोड़ा खुल गया है, अच्छा लग रहा है अभी, और लेफ्ट को देखिए कोई स्कूल है, मॉडर्न मोंटेसरी इंटरनेशनल। लेफ्ट को सूरज कुंड का रास्ता है ये देखिए, लेकिन हमें अभी सूरज कुंड नहीं जाना है, हमें जाना है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आज संडे है तो उतना ज्यादा भीड़ है नहीं, तो राइड का मजा ही अलग आएगा। और गूगल बाबा तो पगला गया लग रहा है मेरे को, बार बार यू टर्न बोले जा रहा है। कहीं ना कहीं रास्ता तो जरूर होगा तभी वो बता रहा है, लेकिन हमें उस रास्ते से जाना नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा एक बार पक्का, जाके देखूंगा, अगली बार जब आऊंगा तो मैं उसी रास्ते को फॉलो करूंगा, देखता हूँ वो कहाँ लेके जाता है। फाइनली गूगल बाबा को होश आ गया है और सही रास्ता बता रहा है, लेकिन यहाँ से टाइम ज्यादा दिखा रहा है, 24 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। और ये सिंगल रोड है और थोड़ा सा चढ़ाई भी है यहाँ पे, तो बाइक से तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन उस दिन साइकिल से आए थे तो काफी डिफिकल्ट राइड था, बट स्टिल वी मैनेज, आराम से कर लिया था। आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग जाके देखिए। तुकलकाबाद फोर्ट हम गए थे इसी रास्ते से। यहाँ बहुत सारे बंदर मिलेंगे क्योंकि दोनों तरफ जो है वो जंगल ही जंगल है। ये अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के बीच में ये रास्ता जा रहा है और थोड़ा सा चढ़ाई भी है ये, तो ये देखिए आप देख सकते हैं काफी चढ़ाई। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन साइकिल से आते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। अब गूगल बाबा जो है आप देखिए एकदम सीधा रास्ता दिखा रहा है, बहुत बढ़िया है, गूगल बाबा को समझ में आ गया है। यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। और ये देखिए एक भाई साहब साइकिल कर रहे हैं, ऐसे साइकिल होना चाहिए यहाँ पे, पतला पतला टायर, मजा आ जाता है। और जंगल फाउल है यहाँ पे, कुछ होगा सेलिब्रेशंस के लिए मुझे लगता है, बैंकेट हॉल टाइप है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। और इसके साथ ही आपको ठेका भी मिल जाएगा, तो शादी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी मनाने आइए और साथ में ठेका है तो आराम से मस्ती करिए, 2-3 शॉट लगाइए और डांस करिए बढ़िया से। वाह 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 वाह, ये नजारा देखिए कितना मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत। और लोग यहाँ जहाँ पे भी खाली मैदान होता है लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं। ये एक लेफ्ट को एक रास्ता बता रहा है, इधर से भी रास्ता है मेरे ख्याल से, इधर से भी रास्ता है लेकिन मैं यहाँ से भी नहीं जाऊंगा। और ये दिल्ली बॉर्डर है और ये हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं। ये दिल्ली बॉर्डर था और दोनों तरफ जंगल ही जंगल, तो गूगल बहुत रास्ता दिखा रहा है, मुझे लगता है हर जगह से कहीं ना कहीं रास्ता होगा, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि सेंचुरी जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था तो कह रहा था कि 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा या 14 किलोमीटर आपको साइकिल से या गाड़ी से जा सकते हैं, तो काफी बड़ा होगा, 14 किलोमीटर बहुत होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जगह से ये रास्ता होगा, हर जगह से रास्ता दिख रहा है, अभी यहाँ से भी सीधा दिखा रहा है। ये देखिए अब सबसे लंबा रास्ता है मेरे ख्याल से, तभी गूगल इसको पहले से नहीं बता रहा है, बाकी जितना भी बता रहा है वो शॉर्टकट है। अभी 6 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, ये पहुंच गए हम, लेकिन यहाँ तो काम चल रहा है भाई, यहाँ पूछ के आता हूँ। गाइज यही हम पहुंच गए हैं, ये देखिए असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी अंदर, ये देखिए असोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गया हूँ। ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, तो मैं अंदर जाता हूँ। टिकट काउंटर भी है यहाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ खुला है नहीं है, आगे जाके पूछता हूँ भैया से, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। भैया ये खुला है क्या? हाँ किधर है? उधर। अच्छा थैंक यू भैया, ये खुला है क्या? ये खुला है घूमने के लिए? टिकट लगता है कितना है? नहीं मैं बाइक से आया हूँ, बाइक लेके जा सकते हैं? हाँ मतलब बाइक से, आप खुद से, खुद के गाड़ी से? अच्छा अच्छा मुझे लगा कुछ और। हाँ तो ये कब से खुला है? 1 तारीख से। अंदर क्या है देखने को, क्या मिलेगा? हाँ
बाइक से राइड करोगे कुछ भी मिल सकता है, छोटे मोटे जानवर मिलेंगे, बड़ा कोई। अच्छा वैसे डियर वगैरह है? डियर है मगर डियर तो जाल में बंद है। अच्छा और क्या है? और कुछ नहीं, बंदर बंदर वगैरह, झील है, लेक है, है इधर अंदर है, लेक है। अच्छा तो ये टिकट काउंटर है, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, टिकट कितना लगता है, कितना है भैया? अगर सर आप लेक जाओगे हाँ, तो लेक का ना वैसे 500 रुपए पर पर्सन वो है। और लेक में क्या करना है, लेक में करेंगे क्या? लेक सर व्यू है देखने के लिए बढ़िया। नहीं मेरे को बाइक राइड करके एक चक्कर लगा के निकल जाना है। अच्छा। और कुछ नहीं करना मेरे को, मैं बाइक से आया हूँ ना, ये देखिए पूरा हेलमेट वेलमेट लगा। हाँ तो बाइक से मेरे को आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं तो चलाऊंगा, एक आध फोटो खींचूंगा बस निकल जाऊंगा, और क्या करना है मेरे को। तो आप देखिए मैं असोला में हूँ, बाकी जो गूगल वाला रास्ता दिखा रहा था वो सारे इलीगल रास्ता है, तो यही रास्ता है, यहीं से अंदर जाना है। आप देखिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कितने सारे बंदर है आप देखिए यहाँ पे, ओए होए 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 क्या बंदर है भाई साहब। तो मैं जा रहा हूँ अभी अंदर, भैया सीधा निकल जाओ यहाँ से राइट। तो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मुझे जाना है और शायद यहाँ से निकलूंगा। तो गाइस देखिए ये है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको दर्शन कराते हैं, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी होने वाला है। पूरा कच्चा रास्ता है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। भाई साहब से मैंने पूछा था कि क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो बोला कुछ मिल सकता है लेकिन ऐसा कोई खतरनाक जानवर नहीं मिलेगा आपको। अरे बाप रे यहाँ पे भी नहीं, मैं तो ऐसे चला रहा हूँ बाइक, बताइए। नहीं मैं लेक नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही निकले बाइक चला के चला जाऊंगा, लेक बता रहा था वो 500 रुपए मांग रहा था, तो आपने ले लिया? ये मुझे मालूम नहीं है, आप आगे पूछ लो। तो गाइस मेरे को बोला आपको लेक पे जाना है, तो मैंने बोला हाँ चले जाएंगे, तो बोलता है 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा 500 रुपए लेक का क्या चाहिए भाई, इसलिए लिया नहीं, मैं पता भी नहीं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे मेरे से कि लेक किधर है, और यहाँ कोई है भी नहीं, देखिए आप कोई भी नहीं है जिससे आप पूछ सके। लेकिन ये साइकिल राइड के लिए मजा आ जाएगा, बहुत ही कच्चा रास्ता है और 16-17 किलोमीटर की स्ट्रेच है, तो एक दिन पूरा लेके आना पड़ेगा। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करिए, मैं भी राइड को थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। ओह ये देखिए कौन सा बर्ड है भाई, वाओ इतने बड़े बड़े बर्ड, मुझे लगा अचानक से क्या आ गया है। भैया रास्ता इधर से है किधर से, मेरे को बस घूमना है वैसे ही। रास्ता है ये, ये खराब है? अच्छा ऐसे ही जाना है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं ड्यूटी नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ ऐसे ही। हाँ 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 टिकट लेके आए, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग इधर ड्यूटी करते हैं? अच्छा मॉर्निंग करते हैं, अच्छा 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 ओके ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। तो यहाँ कुछ लोग मिल गए, वो पूछ रहे कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कि नहीं, और ये इनके हाथ में डंडा था तो मुझे लगा वो ड्यूटी कर रहे। तो इन्होंने एक चीज मुझे बताया कि ऐसे रास्ते जो है ऐसे ही फॉलो करते रहना है, ये देखिए ऐसे ही रास्ता है, ऐसे ही फॉलो करिए मजा आ जाएगा आपको। और ये देखिए यहाँ पे मोर है, Oh, 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 oh
तो गाइस इतना खूबसूरत नज़ारा आप देखिए यहाँ पे, हमने आज तक ये कैसे मिस कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरफ दोनों तरफ जो है जंगल ही जंगल है, और मेरा बाइक यहाँ खड़ा है। हमें साइकिल से आना था यहाँ पे, लेकिन पिछली बार जब आए थे तभी हमने एक्सप्लोर किया था, तो ये जगह हम साइकिल से भी आएंगे। तो मुझे लगा आज मैं बाइक से आके देखता हूँ कि ये खुला है नहीं खुला है, तो ये खुल गया है। और एंट्री टिकट 10 रुपये लिया है मेरे से और 5 रुपये मेरे बाइक का लिया है, तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि मैं एक दिन में तो यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, 2-3 दिन मुझे आना पड़ेगा। दोनों तरफ जंगल है, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मुझे 2-3 पक्षियाँ दिखने को मिल गए, तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, शूटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं। मज़ा आ गया देख के, मतलब ओहो ब्यूटीफुल, और इतना काम, इतना पीसफुल एरिया है देखिए आप। तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लिया है और फ़ोटोशूट करके निकल गया हूँ। एक दो फोटो मैंने खींच लिया, बहुत ही खूबसूरत जगह था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो आपको लगेगा पूरा एक ही जैसा है, आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, सब वैसे का वैसे ही रास्ता है। कच्चा रास्ता है, यहाँ पे मट का रास्ता है, तो सब एक जैसे ही लगेंगे। यहाँ पे कोई लेक भी है मेरे ख्याल से, लेकिन लोग ढूंढ रहे हैं, किसी को पता नहीं है लेक किधर है, तो सब लेक ही ढूंढ रहे। लेकिन कुछ अंकल ने मेरे को बताया कि आपको यहाँ पे बस ये जो रास्ता है बस इसको फॉलो करते जाइए, कहीं और मत जाइए, क्योंकि गाड़ी से या बाइक से है तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग साइकिल से आएंगे तो जरूर एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग रास्ता जरूर जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रोज आ सकते हैं, हर दिन आ सकते हैं और अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पे गाइस। तो ये है छोटा सा राइड, मैंने बहुत एंजॉय किया, और आप लोग भी एंजॉय करिए, थोड़ा सा मजा लीजिए। मैं भी बाइक चलाता हूँ और मजा लेता हूँ यहाँ का। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए, और ये जगह दिखाइए। हमारे देश में इतने खूबसूरत जगह है, लोग जानते नहीं है, मैं भी नहीं जानता था, पहली बार आया, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लोगों को पता चलेगा इस जगह के बारे में, और जो फरीदाबाद या दिल्ली NCR में रहते हैं वो यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा उनको, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे जगह है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम जा नहीं सकते। मेरे घर के पास ही है ये, मुझे ही नहीं मालूम था और कभी ट्राई भी नहीं किया। तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।